बच्चा बॉडी, मम्मी डैडी तो नहीं है लेकिन गर्मा गर्म खाना है। आ, वाह, लाओ ये मुझे दे दो। वैसे भी सारी तैयारियां तो मैंने ही की है। नहीं, अच्छा काम से फुर्सत मिले तब तो कुछ काम कर लेगा ना। खाने से वो तुम्हारा सबसे बड़ा काम है। हाँ, मैं यूं सुन रही हूं, मुझसे ऐसी बातें मत करो तुम। बच्चों को क्रेडिट हमेशा तुम ले रहे हो, हमेशा ताने देते रहते हो। अरे आई एम एक्चुअली, हां हंसो हंसो हंसो, बस बस बस, मजाक बहुत हो गया। अब बताना चाहता हूँ कि पार्टी किस लिए है। चलो, ये हमारे मॉम और डैड की 10th एनिवर्सरी के लिए है। अरे हमने सरप्राइज पार्टी प्लान की है, इसका तो बनता है ना। ऑफ कोर्स। हां बेटा, 10 साल के शादी के बाद तो भारत रत्न ही बनता है। बच्चों के सामने क्या 10 साल और 15 साल कर रहे हो? अरे नहीं, सीख के दोनों फ्यूचर भी कैरेक्टर है। मिला मत जी, अगले बार बोल। ओए ओए, पहले मत दे, चुप चुप चुप, एकदम कोई भी आवाज नहीं करेगा। ठीक है ठीक है, अरे मैं भी सुन सकता हूँ ना। मैंने मिडिल क्लास स्टोरीज बनाई हैं, कुसुम बनाया है, कुटुम बनाया है, सास बहू पे कहानियाँ बनाई हैं, और अब जाके मैं 10 साल शादी के बाद के बीच जो उपना होता है, कभी कभी हस्बैंड को बोर्डम और वाइफ को अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो हस्बैंड को अंडरस्टैंडिंग और वाइफ इज़ नॉट ईजिली बोर्ड, हस्बैंड्स गेट बोर्ड ईजिली। वो जो फेज शादी का आता है उसको डील करने के सोचा है, और आई होप कि लोगों को ये छोटी सी सिंपल सी साधारण कहानी दिल को छू जाए, बस यही कोशिश है। And I think I was done with reality. I had done almost every show possible as an anchor, as a participant. And now it was time to come back to fiction. And I'm very excited about it. I love the concept of the show, and that was the main force. My mother is the be all and end all of my life. जो भी कहानी मैंने बनाई है, चाहे वो हिट हो या फ्लॉप हो, मेरी मम को पसंद आई है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ भी सीखा है तो मॉम से ये सीखा है कि फैमिली को एक कैसे रखना। तो ऑनेस्टली वो लर्निंग से रिलेशनशिप सीखने को मिली, और अलग अलग रिलेशनशिप्स को फिर समझने की कोशिश हुई। सो द बिगनिंग ऑफ माई लाइफ जर्नी इज विद माई मॉम एंड एवरीवन एल्स इज आल्सो।